हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथुन रोहिला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो मैं आज यहां हूं अंबिकापुर के ऑक्सीजन पार्क में। ये ऑक्सीजन पार्क असिस्टेंस, इसकी दूरी अगर देखी जाए तो 3 किलोमीटर या 3.5 किलोमीटर लगभग दूरी पे है। महामाया मंदिर है, महामाया मंदिर के तो आप हम ऑक्सीजन पार्क में जैसा कि इंटर कर चुके हैं, वहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वहाँ पर पार्किंग है। पार्किंग का 10 रुपये लगता है, 2 व्हीलर का 10 रुपये और 4 व्हीलर का 20 रुपये पार्किंग लगता है। और पर हेड यहाँ पे इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे टिकट काउंटर है, वहाँ पे टिकट कट रहा है। पर व्यक्ति का यहाँ पे 10 रुपये लगता है। वहाँ पे सुलभ शौचालय है और यहाँ पे इंटर वहाँ से आ रहे हैं लोग इंटर करने का रास्ता। और ये रास्ता है, ऐसा यहाँ का नज़ारा है। फिर आगे और आगे चलते हैं और आगे जो कुछ यहाँ पे दिखता है और वीडियो में पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं कुछ चीज़ें। अभी शाम का टाइम है जब ये वीडियो शूट हो रहा है। वहाँ पे देखिए कैंटीन बना हुआ है, ये वुडन का कैंटीन है और यहाँ पे बना हुआ है वुडन का कैंटीन। यहाँ पे और भी कुछ कुछ सामान खाने पीने के लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और चिप्स वगैरह यहाँ पे ले सकते हैं या आप बाहर से भी ला सकते हैं। काफी अच्छा नज़ारा है यहाँ का। वीडियो में बने रहिए और आगे भी बहुत कुछ है यहाँ पे घूमने लायक, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ पूरा। ये देखिए दीवारों पे यहाँ पे चित्र बना हुआ है, कुछ इस टाइप से है व्यू। आगे जो कुछ मिलेगा मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ आपको वीडियो में। यहाँ पे देखिए निगम का इंस्ट्रक्शन, माँ महामाया पार्क आपका हार्दिक स्वागत करता है। कचरा फैलाते पाए जाने 5 रुपये जुर्माना। देखिए छज्जा बना हुआ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे क्या बोलना चाहिए, छत्तीसगढ़ी वेशभूषा को भी दर्शाया गया है। इस तरह से सीन है यहाँ का, एकदम ऑक्सीजन पार्क, मतलब जंगलों जंगल टाइप से फील आता है यहाँ पे। और यहाँ से भी रास्ता, हर तरफ रास्ता ही रास्ता है यहाँ पे। फिर इधर जाने का ये है, मतलब फ्री टाइम हो आपके पास तो आप आए और देखें यहाँ का नज़ारा, काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी फैमिलियाँ लोग जिनके पास टाइम होता है, वक्त होता है, यहाँ पे आते हैं। ये देखिए शाम का टाइम है, ये सूरज पूरा, कितना अच्छा सीन व्यू आ रहा है यहाँ पे। आइए इधर का और कुछ दिखाते हैं आपको। चलो आगे दीदी, यहाँ पे ये अभी बंद हुआ करता था। जब ये ऑक्सीजन पार्क नहीं बना था तो ये रेस्ट हाउस हुआ करता था। तो कभी कुछ और है, यहाँ से भी मतलब ये ऑक्सीजन पार्क बोला जाए तो काफी बड़े एरिया में बनाया गया है। और अगर आइए आपको वॉच टावर की तरफ ले चलता हूँ। वॉच टावर जहाँ से पूरा व्यू दिखता है अंबिकापुर का, पूरा तो नहीं, पूरा व्यू नहीं, लेकिन फिर भी बहुत हद तक अंबिकापुर टाउन का नज़ारा वहाँ से दिखता है। आप वीडियो पे बने रहिएगा, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। ये देखिए ये है वॉच टावर, वहाँ से अगर यहाँ से ऊपर जाते हैं वहाँ से फिर अंबिकापुर का पूरा व्यू दिखता है टाउन का। तो
झूले वगैरह भी हैं बच्चों के लिए, वो देखिए बच्चों का झूले वगैरह है। आज दीपावली का दूसरा दिन है, पूरा व्यापारिक प्रतिष्ठान यहाँ पे बंद है, तो काफी लोग यहाँ पे आज थोड़ा भीड़ भाड़ दिख रहा है, सब आए हुए हैं यहाँ पे छुट्टी मनाने, टाइम स्पेंड करने अपने फैमिली और दोस्तों के साथ। तो आइए वॉच टावर में आपको ले चलते हैं और व्यू दिखाने की कोशिश करते हैं ऊपर। ये देखिए ये पूरा अंबिकापुर का व्यू है, यहाँ से कुछ ऐसा नजारा है, पूरा अंबिकापुर यहाँ से दिखता है। शाम का टाइम है तो सूरज देखिए किस तरह उगा हुआ है, बहुत अच्छा मौसम है यहाँ का। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे अपन व्यू पॉइंट पे ऊपर में है और यहाँ पे नीचे किस तरह से लोग, किस तरह से यहाँ का नजारा है। उधर भी आप, उधर से भी आपको दिखाता हूँ। चलें बहुत ही हरा भरा है यहाँ पे चारों तरफ। चलिए अब नीचे चलते हैं और नीचे भी कुछ है दिखाने का कोशिश करते हैं। वो देखिए वहाँ भी वो दिखता होगा, उधर भी कुछ पॉइंट पॉइंट टाइप से बना हुआ है जगह। ये तो चलिए दोस्तों आगे दिखाते हैं और कुछ हो यहाँ पे पूरा नज़ारा, और बाकी अगर ड्रोन कैमरा होता अपने पास तो आप लोगों को दिखाते हो पूरा ऊपर से व्यू, लेकिन ड्रोन कैमरा अपने पास अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको पूरा ऊपर से इसका व्यू दिखा नहीं पा रहा हूँ। वीडियो पे बने रहिए, आगे जो कुछ होता है आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। अब नीचे चलते हैं यहाँ से, ये इसको व्यू पॉइंट बोला जाता है, ये ऊंचाई पे है और यहाँ से व्यू अच्छा आता है बाकी जगहों का। तो वीडियो बने रहिए और देखते रहिए यहाँ का नज़ारा कैसा है। ये डस्टबिन है फिर भी लोग यहाँ कचरा देखिए नीचे गिराए हुए हैं, कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पे, जबकि अंबिकापुर स्वच्छता में लगातार बाजी मार रहा है फिर भी लोग यहाँ पे सुधरते नहीं हैं। ये देखिए कचरा फेंके हुए हैं डस्टबिन होने के बाद भी, चारों तरफ यहाँ पे लोग ही लोग, अपने फैमिली के साथ आए हुए हैं, सब दिवाली का छुट्टी मना रहे हैं। देख सकते हैं आप ऊपर भी गया था तो काफ़ी भीड़ था, इधर भी लोग हैं।
बच्चे बूढ़े बड़े सभी यहाँ पे झूले का लुत्फ उठा रहे हैं। अब इधर के बाद अब उधर चलते हैं, उधर दिखाते हैं। अगर ड्रोन कैमरा से यहाँ का व्यू अपन देखें तो हार्ट शेप में ये बना हुआ है पूरा व्यू यहाँ का। तो अगर ड्रोन कैमरा अवेलेबल अपने पास नहीं होने के कारण मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। और जैसे ऊपर से अगर इसका नज़ारा लेते हैं अपन तो बिल्कुल हार्ट शेप में ये बना हुआ है, हार्ट शेप में इसका व्यू नज़र आता है ऊपर से। ऑक्सीजन पार्क अभी हाल फिलहाल में ही ये बनाया गया, नहीं तो पहले इसको लवर पॉइंट के नाम से जाना जाता था। लोगों का यहाँ पे ज़्यादा आना जाना नहीं था। जब से ये ऑक्सीजन पार्क के रूप में विकसित हुआ है तब से लोगों का यहाँ पे ज़्यादा आना जाना है। और ये पहाड़ ये पथरीला पहाड़ चट्टान टाइप से यहाँ का नज़ारा है इधर का, ये देखिए। ये देखिए यहाँ पे 15 अगस्त को झंडा भी फहराया जाता है यहाँ पे। ये सेल्फी पॉइंट भी है, यहाँ पे लोग सेल्फी भी लेते हैं आके, जैसा लोग ले रहे हैं आप देखिए। ये है वॉच टावर जहाँ से अपन ऊपर गए थे अभी, वहाँ से मैं आपको व्यू दिखाया। तो ये है वॉच टावर, अभी भी काफ़ी लोग हैं ऊपर में। तो इस टाइप से सीन है यहाँ का, बहुत बेहतरीन नज़ारा है। और शाम का टाइम है तो सूर्य की रोशनी भी बहुत अच्छे से पड़ रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं। ये था ऑक्सीजन पार्क। और अच्छा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और फिर मिलते हैं किसी वीडियो पे, तब तक जय हिंद जय भारत।